ओम शांति। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है सुंदर हाथ। आइए सुनते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है, कुछ महिलाएं एक नदी के तट पर बैठी थी। वे सभी धनवान होने के साथ साथ अत्यंत सुंदर भी थीं। वे नदी के शीतल एवं स्वच्छ जल में अपने हाथ पैर धो रही थी तथा पानी में अपनी परछाई देख देख कर अपने सौंदर्य पर स्वयं ही मुग्ध हो रही थी। तभी उनमें से एक ने अपने हाथों की प्रशंसा करते हुए कहा, देखो मेरे हाथ कितने सुंदर हैं। लेकिन दूसरी महिला ने दावा किया कि उसके हाथ ज्यादा खूबसूरत हैं। तीसरी महिला ने भी यही दावा दोहराया। उनमें इस पर बहस छिड़ गई। तभी एक बुजुर्ग लाठी टेकती हुई वहां से निकली। उसके कपड़े मैले कुचैले थे। वह देखने से ही अत्यंत निर्धन लग रही थी। उन महिलाओं ने उसे देखते ही कहा, व्यर्थ की तकरार छोड़ो, इस बुढ़िया से पूछते हैं कि हम में से किसके हाथ सबसे सुंदर हैं। उन्होंने बुजुर्ग महिला को पुकारा, ए बुढ़िया जरा इधर आकर ये तो बता कि हम में से किसके हाथ सबसे अधिक सुंदर हैं। बुजुर्ग किसी तरह लाठी टेकती हुई उनके पास पहुंची और बोली, मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, पहले मुझे कुछ खाने को दो, चैन पड़ने पर ही कुछ बता पाऊंगी। वे सब महिलाएं हंस पड़ी और एक स्वर में बोली, जा भाग, हमारे पास कोई खाना वाना नहीं है, ये भला हमारी सुंदरता को क्या पहचानेगी। वहीं थोड़ी ही दूर पर एक मजदूर महिला बैठी थी। वह देखने में सामान्य लेकिन मेहनती और विनम्र थी। उसने बुजुर्ग को अपने पास बुलाकर प्रेम से बैठाया और अपनी पोटली खोलकर अपने खाने में से आधा खाना उसे दे दिया। फिर नदी से लाकर ठंडा पानी पिलाया। फिर उस मजदूर महिला ने उसके हाथ पैर धोए और अपनी फटी धोती से पोंछ कर साफ कर दिए। इससे बुजुर्ग महिला को बहुत आराम मिला। जाते समय वह बुजुर्ग उन सुंदर महिलाओं के पास जाकर बोली, सुंदर हाथ उन्हीं के होते हैं जो अच्छे कर्म करें तथा जरूरतमंदों की सेवा करें। अच्छे कार्यों से हाथों का सौंदर्य बढ़ता है, आभूषणों से नहीं। इस कहानी से मुझे ये शिक्षा मिलती है कि कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है, कर्म नहीं। अटल सत्य है कि जैसे बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। आज नहीं तो कल। ओम शांति।